नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी वीडियो। यदि आप मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं और उससे आपकी मन की इच्छाएं जल्दी पूर्ति हो जाती है, तो कुछ ऐसे कारक हैं यदि आप जल्दी करते हैं तो हनुमान जी जल्दी खुश होकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं करने से भगवान हनुमान आपकी इच्छाओं की जल्दी पूर्ति करेंगे। नंबर एक, यदि आप मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं, नहाने के बाद आप बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और बरगद के पेड़ से एक पत्ता तोड़े, उस पेड़ के पत्ते पर केसर से श्री राम लिखें और श्री राम लिखने के बाद उसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके पर्स में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी और जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो जाएगा। और पत्ता यदि सूख जाता है तो सूखने के बाद किसी बहते हुए पानी में उसे प्रवाहित कर दें और प्रवाहित करने के बाद उसमें दूसरा पत्ता उसी तरह से केसर से दोबारा से श्री राम लिखें और फिर से अपने पर्स में रखें। ऐसा हमेशा करते रहें। ऐसा करने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। नंबर दो, हनुमान जी का दिन मंगलवार का माना जाता है क्योंकि हनुमान जी का जन्म भी उसी दिन हुआ था। और यदि आप हनुमान जी का व्रत करते हैं या फिर पूजा ज्यादा करते हैं और हनुमान जी को मानते भी हैं तो आप उन पर चोला चढ़ाएं और चमेली के तेल का यूज करें और ऐसा करने से आपके घर में सौभाग्य रहेगा और समृद्धि भी रहेगी। और हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का ही दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी आपके घर से समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। नंबर तीन, मंगलवार के दिन हनुमान के किसी भी मंदिर जो आपके घर के ज्यादा समीप पड़ता हो तो वहां जाएं और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने और भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी आपके घर से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और दोनों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का श्रोत भी करना होगा। ऐसा करने से हनुमान जी खुश होंगे और आपकी इच्छाएं भी जल्दी पूर्ति होगी। नंबर चार, यदि आपको कोई समस्या है या फिर कोई परेशानी है और उन बाधाओं को आप दूर करना चाहते हैं तो आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का श्रोत करें। श्रोत करने के साथ साथ आप हनुमान जी के मंत्र का उच्चारण भी करते रहें। आप होम हनुमंताय नमः का जप करते रहें। ऐसा करने से भी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पाँच, यदि आपको कोई परेशानी है या फिर आपके ऊपर शनि का दोष है तो आप उसके लिए उड़द की दाल लें और कोयले की एक पोटली बनाएं और पोटली बनाने के बाद अपने ऊपर से 7 बार या 21 बार उतारें और उसे चलते हुए प्रवाहित पानी में उसे बहा दें। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि का दोष भी कम हो जाएगा और उसके बाद आप हनुमान मंदिर में जाकर श्री राम का जप करें। ऐसा करने से भी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये है वह कार्य, यदि आप मंगलवार को करते हैं तो हनुमान तो खुश होंगे ही और आपकी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।